और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए। मैं रेवेंस लेके दिखाऊंगी, वो जो मेरे साथ प्रैंक किया था ना, जो गंदा वाला, उसका बदला आज लेने वाली हूँ। चुप, आप बीच में नहीं बोलेगा। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तो सब वीडियो को फुल देखना, कोई स्किप करके मत देखना, ठीक है? कैसे मजे लेने वाली हूँ वो देख लेना, ओके? तो चलिए काल के मत को हम इनवाइट करते हैं, ओके? तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनवाइट सेंड कर दी। हेलो हेलो काल। हाँ हेलो, क्या कर रहे हो? बस हम ऐसे आए थे देखने के लिए, गेम खेलने के लिए। ओहो यार, तुमने ये वीडियो अपलोड करके कैसे अपलोड कर दिए, सब बंदे आके मुझे बोले कैसे लगा प्रैंक, कैसे बोल रहे हैं सब, पता है? चिढ़ा रहे हैं क्या तुमको बंदे सब? हाँ यार, बहुत चिढ़ा रहे हैं मुझे। अरे यार, बहुत अच्छा प्रैंक था ना, इसलिए शायद चिढ़ा रहे होंगे। हाँ, बड़े प्रैंक करने वाले हैं, अंदर से मुझसे ऐसे प्रैंक मत करना। क्या हो गया, गुस्सा काहे हो रहे हो? अरे गुस्सा नहीं हो रही हो। तो क्या हो रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही बोल रही हूँ बस। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो खेलोगे क्या? नहीं नहीं, मुझे तुमसे हेल्प चाहिए थी, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया। अच्छा हेल्प चाहिए, चलो बताओ बताओ, हम सबका हेल्प करते हैं, बताओ। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तुम्हारी क्या समस्या है? तो करोगे ना हेल्प, करोगे ना? हाँ हाँ हाँ, जरूर करेंगे, अगर हेल्प के लायक हुआ तो। अरे तुम हेल्प कर सकते हो, वो मुझे पता है कि तुम हेल्प कर सकते हो। ओ तब कर सकते हैं तो कर देंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम हेल्प करोगे। यार प्रॉमिस कैसे करे, आप बताओ ना, हम अगर मेरे लायक हुआ ना पक्का हेल्प करेंगे, हम बता रहे हैं, इसका प्रॉमिस कर रहे हैं। चलो सच में ना? हाँ एकदम सच में यार, तुमको बोल के आप मजाक करते हैं। फिर करना मत कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता। अरे नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं करूँगा, बताओ। ओके, तो मैं ना ये बता रही थी कि कैसे बताओ यार, मैं बता ही नहीं पा रही हूँ। अरे बता दो यार, शर्माओ मत, शर्माओ मत, क्या हेल्प चाहिए? एक्चुअली मैं ना तुम ना मैं ना किसी को लव करती हूँ। ओह माय गॉड, किसी को लव करती हूँ, क्या बात है, संध्या गेमर लव करती है किसी को, कौन है वो बताओ? ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना यार। कैसे बताऊँ, वो ना वो क्या बताऊँ यार तुम्हें, एक्चुअली वो ना बहुत ही अच्छा है। अच्छा बहुत अच्छा है, तब तो बहुत अच्छी बात है यार, अच्छी बात है तुमको अच्छा लड़का पसंद आ रहा है। हाँ, पूछो भी नहीं। इसमें क्या हेल्प चाहिए, हम उसको बता दे क्या, मतलब कि कौन है, बताओ बताओ। अरे मुझे बताओ। मुझे बस इतना हेल्प करो कि मैं उससे कैसे बोलूं कि वो हाँ बोले, ना ना बोले, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अरे यार देखो, अगर आपको किसी से प्यार हो या कुछ भी हो तो डायरेक्ट बोल देना चाहिए, इतना सोचना मत, ठीक है? एकदम आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? बोल दो मुंह में, बोल जाके बोल दो, एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे मैं कैसे बोलूँ उसे, वही तो तुम्हें पूछ रही हूँ, मैं उसे कैसे प्रपोज करूँ कि वो मुझे हाँ बोले, ना ना बोले। अरे यार प्रपोज कैसे करते हैं, देखो तुम्हारे अंदर का जो फीलिंग है ना उसको बताओ कि तुम कैसा फील कर रही हो उसके बारे में। सच में? हाँ वो ना नहीं कहेगा ना, पक्का ना? नहीं यार, अगर अगर देखो अगर उसको भी प्यार होगा तो जरूर ना नहीं बोलेगा, तो बोलेगा चलो ठीक है अब आगे कंटिन्यू करते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ। तो एकदम बोल दो एकदम। ओके बोल दो फिर, यही हाँ, पे बोल दो जाके। क्या यही पे मेरे साथ है वो? क्या मतलब तुम्हारे साथ है और तुम हमसे हेल्प मांग रही हो, क्या यार, मतलब ऐसे तो पता चल जाएगा उसको। अरे क्या ही बताओ, इतना डफर है उसे पता ही नहीं चल रहा है मैं क्या ही बताऊँ उसके बारे में बात कर रही हूँ।
मतलब अरे मतलब क्या बात है यार, कौन है वो लड़का बताओ तो, मतलब कहाँ है उसको बुला बुला बुला, तुम्हारे पास है क्या? हाँ मेरे साथ ही है वो। ओ भाई बुला 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 तो हम भी सुने थोड़ा यार, कैसे बुलाओ, मैं तुम मुझे सपोर्ट करना, मैं उसे बोल रही हूँ बस। ओके 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 मैं सपोर्ट करता हूँ, चलो ठीक है। कैसे बताओ कैसे बताओ, ऑल द बेस्ट बोलो। हाँ ही बोलेगा, हाँ हाँ ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट। कौन है, कहाँ से आते हैं? ऑल द बेस्ट, तुम अपने मिशन में सक्सेस हो जाओ, चलो बताओ जल्दी से बताओ। ओके यार बहुत ही नर्वस फील कर रही हूँ मैं। कोई बात नहीं कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे साथ, तुम बोलो उसको। ठीक है रखो, मैं बड़ा भूल गई। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, टाइम ले लो, उसको बोलो, कोई दिक्कत नहीं। यार कैसे बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे बोल दो यार, इतना घबराओ मत घबराओ मत, जस्ट चिल मैडम जी, जस्ट चिल। ओके तो वो मेरे पास है तो मैं एक सॉन्ग गाऊं उसके लिए? हाँ हाँ एकदम, अगर सॉन्ग गा के उसको प्रपोज कर रहे हो तो तुम इससे अच्छा बात क्या हो जाएगा। अगर वो नहीं समझ पाया, समझेगा यार, तुम बताओ तो सही उसको, देखो इतना बुड़बक थोड़ी होगा वो। ठीक है फिर ओके। तुम मेरे अबे यार हो कल शायद आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे, ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। ओ भाई क्या बात है मैडम जी, इतना अच्छा गाना सुनाए तुमने उसको यार, सुनाई तो लगता है पक्का। अरे यार सुनाई तो, लेकिन वो डब्बर को समझ नहीं आया कि मैं उसे ही सुना रही हूँ, उससे बोल रही हूँ। क्या बात कर रही, उसको समझ नहीं आ रहा है कि तुम उसको सुना रहे हो? बिल्कुल भी नहीं भाई, इतना डब्बर कैसे हो सकता है यार, उसको तो इतना प्यार से तुम उसको सुनाए और वो समझ नहीं पा रहा है। बताओ यार इतना डब्बर कैसे हो सकता है वो, वही तो इतना डबल कैसे हो सकता है। काम करो ना, उसको बुला लो, सबसे अच्छा ग्रुप में बुला लो। कैसे बुलाऊं, मैं अभी उसे डायरेक्टली बोल दे रही हूँ, योगा देखा हाँ, जाएगा बस मेरे साथ। हाँ एकदम, हाँ हाँ एकदम, हम तुम्हारे साथ है, चलो बोलो उसको। ओके ओके फिर मैं बोल रही हूँ, ठीक है? हाँ हाँ एकदम एकदम बिल्कुल। तो मत घबराओ मत घबराओ, बोल दो बोल दो यार, रुको रुको रुको। ओके मैं बोल रही हूँ अभी। ओके हाँ हाँ ओके ओके। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो काल? क्या भाई मुझे बोल रहे हो क्या? हाँ तुम्हें बोल रही हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अरे हेलो मैडम कुछ भी हेलो। अरे भाई साहब तभी से तुम मेरे को गाना सुना रहे थे। हाँ तो वही तो, मैं वही बोल रही हूँ कि मेरे साथ है वो तो। खत्म, बाय बाय। तो यहाँ पर और कौन है? अरे यार मेरे को लगा ना तुम्हारे साथ है, मैं ग्रुप का बात नहीं कर रहा था, रियल लाइफ में बात कर रहा था भाई साहब। ओ मतलब तुम मेरे को बोल रहे थे तभी से, भगवान सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अरे देखो देखो संध्या, हम मानते हैं तुम अच्छी लड़की हो, बट ना यार मेरे को तुम ऐसा हेल्प, मतलब मेरे को प्रपोज मार रहे थे और मेरा हेल्प ले रहे थे, वाह क्या बात है। हाँ प्लीज मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मना मत करो, तुम मुझे प्रॉमिस किए थे। मतलब इतना जल्दी प्यार कैसे हो जाता है, हमको ये समझ नहीं आ रहा है यार। वो मुझे पता नहीं है कैसे हुआ, लेकिन मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। अभी तो 2 ही दिन हुआ है अभी हमारे दोनों का मिला हुआ, हम तुम पे प्रैंक किए थे और तुम प्यार करने लगे मुझसे। यार मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, तुम अगर मना कर दोगे ना मैं नहीं रह पाऊंगी। देखो 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 संध्या, वो बात सही है, बट ना यार मैं ना
तुम्हारे मतलब ये प्रपोजल ऐसे नहीं कर सकता, सॉरी। क्यों? तुम्हारे गर्लफ्रेंड है? नहीं देखो मेरे लाइफ में भी है ना, मतलब कि अपना अभी हमें को ये सब करना ही नहीं है, समझे? तुम सिर्फ बताओ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कोई? अब मैं क्या बताऊं यार, मैं कैसे बताऊं तुमको कि क्या है नहीं है? मुझे बताओ, मतलब मैं पर्सनल बताओ तुम, बस गर्लफ्रेंड है या नहीं? नहीं पता तुम उसके साथ ब्रेकअप कर लो, लेकिन मेरे साथ सेटिंग कर लो, मुझे नहीं पता, मुझे तुम चाहिए, मतलब चाहिए। अरे यार देखो, अरे हाँ यार है यार, क्या बताए, बहुत सारी। मुझे नहीं पता तुम उसके साथ ब्रेकअप कर लो, लेकिन मेरे साथ सेटिंग कर लो, मुझे नहीं पता, मुझे तुम चाहिए, मतलब चाहिए। अरे यार देखो, हम बता रहे ना, समझिया, मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना यार, मतलब ऑलरेडी अगर होगा सोचो मेरा, तो हम कैसे तुम्हारे साथ रह सकते हैं बताओ? मुझे नहीं पता तुम उसके साथ ब्रेकअप करके तुम मेरे साथ आ जाओ रिलेशनशिप में, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, उससे ज्यादा प्यार करूंगी, तुम उसे भूल जाओगे, लेकिन तुम प्लीज उसके साथ ब्रेकअप कर दो। नहीं 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 संध्या देखो, मेरे लाइफ में भी है, होता है कुछ, पर्सनल लाइफ भी है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? हम दोनों दोस्त हैं ना, क्या दिक्कत है? नहीं मुझे दोस्त नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना दोस्त? मुझे नहीं क्या पता क्या दिक्कत है दोस्त, मतलब दोस्त में क्या दिक्कत है? हम लोग तो अगर सोचो हम प्रैंक किए थे, उसके बाद फ्रेंड लिस्ट में आ गए, तो दोस्त तो सही है ना? नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं पता, तुम यार मेरे फीलिंग्स क्यों नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हैं मैडम, समझ रहे हैं आपकी फीलिंग्स को, बट यार नहीं बन सकते यार, मेरी भी बातें तुम समझो। ठीक है तुम्हारी बातें समझ रही हूँ, तुमने मेरी बात नहीं समझे ना, अच्छे से बोली नहीं समझे ना, अभी मैं तुम्हें डायरेक्टली बोल रही हूँ, अगर तुम मुझे आने बोलोगे तो मैं जाके अपने घर की छत के ऊपर से कूद जाऊंगी। ओ हेलो, अरे तुम क्या बोल रही हो, कुछ समझ रही हो तुम? मुझे कुछ पता नहीं है, तुम अगर मुझे ना बोलना चाहते हो तो बोल दो, मैं जा रही हूँ अभी। अरे यार ऐसा नहीं होता है ना, आप मतलब ऐसे काहे बात कर रहे हो यार, तुम मुझे बोलो बस, यस और नो। नहीं यार देखो मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है ठीक है, मुझे आपसे पता चल गया, और कुछ मत बोलो, ठीक है? अरे मैडम सुनो, ऐसे सब काम मत करो यार, मेरे को फंसाओगे। अरे यार ऐसे मत करो यार, अपना जान अपने पास रखो, मतलब मैडम ऐसे मत करो यार। फिर मिलेंगे, बाय बाय, गुड बाय, कभी नहीं मिलेंगे। और देखो संध्या, ये सब पागल वाले हरकतें मत करो, ठीक है? ओ तो देखते हैं फ्रेंड्स, अभी वो इनवाइट डालता है या नहीं, उसे कुछ फिक्र है या नहीं, ये कौन डाल रहा है, भगवान रे यार, ओ डाल रहा है, चेक करते हैं अभी, देखते हैं, चलो। हाँ बेचारा रोने लगेगा, नहीं तो चलो देखते हैं, डाल ना। अरे हेलो संध्या, तुम मतलब क्या कर रही हो? हेलो छत से कूदने मत जाना यार, हेलो प्लीज। तुम क्या कर रहे हो, क्यों मुझे बुलाए? देखो हम तुमको लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, अगर तुम नहीं माने तो मेरे को कुछ करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं जानती, मैं जा रही हूँ, तुम मेरे फीलिंग्स नहीं समझ पाए, मैंने तुम्हें लास्ट वार्निंग। अरे समझ रहे हैं बट ऐसा काम मत करो ना यार, इतना सुसाइड मतलब समझ रही हो, बहुत बड़ा बात होता है। मुझे नहीं पता, रुको मैं ना तुम्हारे भैया को कॉल करता हूँ, रुको। क्यों रुको, मैं क्यों हमारे बीच में हमारे भैया को क्यों ला रहे हो? अरे यार तुम मतलब धमकी दे रही हो क्या है, छत से कुछ जाएंगे, बहुत बड़ा बात होता है, ये हमारा मैटर है, इसमें मेरे भैया को बीच में मत लाओ। नहीं यार तुम्हारा जान तुम्हारे भैया का भी तो है। नहीं हमारा मैटर है। नहीं मैडम देखो मेरा मैटर नहीं है ये, तुम मेरे मैटर से बाहर जा रहे हो, तुम सुसाइड करने का धमकी दे रहे हो, हमको कुछ करना पड़ेगा, रुको मेरे को कॉल करता हूँ, रुको मैं बता रहा हूँ, तुम बता रहे हैं या तो समझ जाओ या तो कॉल करो, बताओ क्या। मैं बोली ना किसी को बीच में नहीं आना है, ये मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूँ। नहीं ना तुम्हारा लाइफ है, तुम जान ले लोगे? हाँ मैं ले लूंगी, तुम मुझे ना कह रहे हो तो मैं जान ले लूंगी। नहीं 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 ऐसा नहीं होता, मैं ना आपको कॉल करता हूँ, रुको। अरे अरे रुको 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 काल 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 नहीं नहीं रुको नहीं 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 सुनो यार मेरी बात एक बार सुन लो प्लीज, सुनो नहीं सुन सकते यार तुम, सुन लो, अरे अरे सुन लो ना मेरे दोस्त, सुन लो, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, सॉरी यार, प्लीज 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 कॉल मत करो, मजाक की भी हद होती है यार, मतलब तुम अपना जान देने का धमकी दे रहे हो, ये भगवान। सॉरी सॉरी मजाक कर रही थी यार, तुम तो इतना सीरियस हो गए, भगवान।
अच्छा था ये मजाक था, वरना हम सच्ची में कॉल करने वाले थे। हाँ और मेरे सब कुछ मतलब मुझे तो पूरा गेम सबसे डिलीट करवा देते, मैं तो और आ ही नहीं पाती। वाह क्या बात है, मतलब तुमने ऐसा काम किया, मतलब मेरे को लग रहा था भाई क्या बोल रही है लड़की। क्यों तुम मेरे साथ प्रैंक किए थे, और मैं वैसे प्रैंक करने में वैसे गेम प्ले होना चाहिए, तो मेरा गेम प्ले वैसा नहीं है, होने दो। तो अभी इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसे प्रैंक करते हैं जो तुम थोड़ा टेंशन में ले लो और रो लो। लेकिन वह नहीं कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा तो दिमाग टकरा गया ना। टकरा तो गया यार, मतलब तुम धमकी दे रहे हो मरने वरने का, भाई साहब मैं क्या बोलूंगा। तो कैसा लगा प्रैंक? बहुत खतरनाक, बहुत कोई आइडिया ही नहीं था तुम ऐसा करने वाले हो। प्यार का लेके प्रैंक कर रहे हो भाई साहब, बहुत खतरनाक, बहुत कोई आइडिया ही नहीं था तुम ऐसा करने वाले हो। प्यार का लेके प्रैंक कर रहे हो भाई साहब। तो चलो हमारे फ्रेंड्स को भी बता दो कैसा लगा प्रैंक। गाइस बहुत खतरनाक प्रैंक ही है, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब मार दो यार। क्या तो चलो फिर, थैंक यू यार, और तुम्हारा रिएक्शन बहुत ही ओपी था, क्या ही डर गए भगवान, तुम्हें तो छोड़ूंगी नहीं, रुको मेरे साथ और प्रैंक करोगे आइंदा से? कोई बात नहीं, इसका बदला तो आएगा, टेंशन मत लो आप। ओहो देखते हैं, चलो चलो ठीक है फिर, ठीक है ओके चलो बाय 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 बाय। तो फ्रेंड तो आपको कैसा लगा वीडियो, मैंने उसके साथ इतना गंदा वाला प्रैंक किया, वो बंदा कुछ समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है यार, अभी अभी मिले हैं और ऐसे हो रहा है, वो तो कुछ समझ ही नहीं पाया बेचारा, डर के कांप रहा था शायद, मुझे ऐसा फील हुआ, क्या ही बताऊँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट और भी आ रहा है ओपी वाला वीडियो, तो इसके बाद जो भी अपडेट होगा आपको देती रहूँगी। तो प्लीज़ सभी के लिए टाटा बाय, फिर मिलते हैं। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए, इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूँ, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है, बाय।